गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में से 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सबसे लास्ट के अंदर हम लोगों ने किया था। चलो अब आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। 15 आईएमपी समय मतलब अच्छे से समझना वरना फंस जाओगे। 5 कार्ड का भाई, सपोज आपके पास 5 कार्ड है। द 10 एक दस्ता है, जैक एक गधा है, क्वीन यानी कि एक रानी है, किंग यानी कि एक किंग है, और एन एस ऑफ डायमंड यानी कि डायमंड का एक का यानी कि चरकट का एक का, ऐसे टोटल आपके पास ओनली 5 कार्ड है। 52 कार्ड को भूल जाओ। अभी आपके पास सिर्फ कितने कार्ड है भाई? 5 कार्ड है। आर वेल सफर्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड, उनको अच्छे से हमने क्या किए भाई? वेल सफर्ड किए, और फिर सभी जो कार्ड है उनको हमने उल्टे रख दिए, यानी कि उनकी फेस नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि हमें दिखे नहीं, ऐसे इनको अरेंज कर दिया। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, उसमें से एक कार्ड उठाया। तो पहले दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहले फॉर्मूला लिख डालो, चलो फटाफट। फॉर्मूला लिख दो प्रोबेबिलिटी का, भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? द कार्ड इज अ क्वीन। चलो 5 कार्ड है, 5 में से क्वीन सिर्फ कितनी है भाई? 1 है। तो क्या लिखेंगे? देयर इज ओनली 1 क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई इसकी? पी ए इज इक्वल टू 1/5 बनेगी ये प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट फाइंड कर लो, फिर सेकंड नंबर देखे। चलो सेकंड नंबर, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, हमने जो क्वीन उठाई पुट अ साइड, यानी कि उसको तो अब हमने देख ली, उसको हम लोग साइड में रख देते। अब हमारे पास कितने कार्ड बचे भाई? 4 कार्ड बचे। क्वीन को उठाई साइड में रख दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस अ क्वीन। चलो सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है कि भाई क्वीन को उठाकर साइड में रख दी, अब हमारे पास कितने कार्ड बचे? ओनली 4 कार्ड बचे, ध्यान रखना। तो लिखो सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे? इफ द क्वीन पुट अ साइड देन रिमेनिंग कार्ड इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4। अब टोटल कार्ड बचे 4। चलो उसमें से फर्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? एन एस का भाई, एन एस। अब जो 4 कार्ड बचे उसके अंदर एक एस प्रेजेंट है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक एस प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे? देयर इज 1 एस। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो यहां पर क्या लिखेंगे कभी? पी स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। अब 1 के अपॉन में गलती से 5 मत लिख देना, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ कार्ड कितने बचे हैं भाई? 4 कार्ड बचे हैं, क्योंकि क्वीन को उठाए उसको तो साइड में आपने रख दी, यानी कि अब बचे 4 कार्ड, यानी कि आंसर आएगा 1/4। चलो उसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अ क्वीन।
चलो अब आपके पास जो चार कार्ड है वो चार कार्ड के अंदर क्वीन है कि नहीं है, क्योंकि क्वीन को उठाकर आपने साइड में रख दी, यानी कि अब जो चार कार्ड है उसके अंदर क्वीन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, जीरो, यानी कि क्या लिखेंगे, देयर इज नो क्वीन, देयर इज नो क्वीन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पीबी इज इक्वल टू, क्वीन तो नहीं है तो जीरो अपॉन फोर इज इक्वल टू, आंसर आएगा कितना स्टूडेंट, जीरो आंसर आएगा। बोलो ऐसे सब कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? पूरा कर लो ये बात। चलो ये सब पूरा कर दो, फिर उसके बाद वाले सम के अंदर जाए। चलो स्टूडेंट 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था, और अगर न दिया हो तो आपको खुद उसको होमवर्क के अंदर करना है, बराबर है? तो भाई गुड वन वाला एक भाई 12 डिफेक्टिव पेन वाला है, बराबर है? ऐसा सब मैंने आपको कराया था और ये होमवर्क के अंदर भी दिया था। चलो 17 नंबर का क्वेश्चन देखे, अच्छे से समझना, थोड़ा डिफेक्टिव सम है और डिफिकल्ट भी है 17 नंबर। पहले काम करो तो, चलो पहले पढ़ो क्या है भाई। नंबर वन, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, क्या भाई 20 बल्ब का बॉक्स है उसके अंदर डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं भाई, 4 है, तो क्या लिखेंगे, क्या भाई टोटल बल्ब, क्या भाई टोटल बल्ब इज इक्वल टू कितने हैं भाई 20, उसके अंदर डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं भाई 4, तो गुड बल्ब की जरूरत है, देख लेते हैं तो पता चल जाएगा हम लोगों को। चलो अब आगे पढ़ो, वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी कि हमें सिर्फ डिफेक्टिव की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्लियर? तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो, फिर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इसकी डिफेक्टिव की, क्या भाई पी ए इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या आएगा भाई 20, 4 डिफेक्टिव बल्ब है, कट कर दे तो 4 × 5 = 20, आंसर आया आपका कितना भाई 1/5। टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन के बाजू में आप लिख सकते हो 4/20, यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे फट करके याद आ जाएगा। चलो इसका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर थोड़ा अच्छे से पढ़ो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझो। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, क्या भाई सपोज हम लोग ये 20 बल्ब में से एक बल्ब उठाते हैं और वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव हो तो नॉन रिप्लेस्ड है, यानी कि एक बल्ब निकाल देते हैं, तो स्टूडेंट अब बाकी बल्ब कितने बचे, क्या भाई 20 में से एक चला गया तो टोटल बल्ब कितने बचे 19, नॉन डिफेक्टिव सॉरी डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे 3, नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे भाई आपके पास, तो 16 इधर नॉन डिफेक्टिव थे तो एक बल्ब नॉन डिफेक्टिव निकल गया तो नॉन डिफेक्टिव आपके पास बचे कितने 15 बल्ब बचे। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव, कब भाई बल्ब एक हमने निकाला वो नॉट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी एक बल्ब निकाला वो नॉन डिफेक्टिव है नॉन रिप्लेस्ड है उसको साइड में रख दिया,
अब बाकी जो बल्ब बचे, टोटल बल्ब 20 थे, बाकी जो बल्ब बचे उसमें से एक बल्ब निकाला, तो वो जो बल्ब निकाला वो कैसा हो भाई? नॉट डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? यानी कि बाकी बल्ब में से एक बल्ब निकाला वो नॉट डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले थोड़ा लिखना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि भाई एक बल्ब हमने निकाल दिया, कि भाई वन बल्ब इज ड्रॉन, देन रिमेनिंग टोटल बल्ब इज इक्वल टू 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। एक बल्ब निकाला वो नॉन डिफेक्टिव, नॉन रिप्लेसमेंट, साइड में रख दिया, बराबर है। और जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो भाई नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू, देखो 20 टोटल थे, 4 डिफेक्टिव थे, तो 20 माइनस 4 कितने हुए? 16 नॉन डिफेक्टिव थे, उसमें से एक निकाल दिया, तो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 नॉन डिफेक्टिव बचे। अब क्या किया स्टूडेंट, ये बाकी जो बल्ब बचे 19 बल्ब, उसमें से एक बल्ब निकाला, एक बल्ब रेंडमली सिलेक्ट किया और वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब क्या आएगा भाई, नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 15 बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने बनेंगे? 19 बनेंगे। तो पीबी, इसकी प्रोबेबिलिटी पीबी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 15/19। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट? आंसर बन गया। क्लियर? बोलो ये वाला सम पेपर के अंदर आए तो कर सकते हो। पहले वाले में नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी थी, दूसरे वाले में एक बल्ब निकाला नॉन डिफेक्टिव हो तो नॉन रिप्लेस्ड है, उसको साइड में रख दिया। अब जो रिमेनिंग बल्ब बचे, मतलब समझो रिमेनिंग बल्ब बचे, रिमेन टोटल थे 20, उसमें से एक निकाल दिया, बाकी बचे कितने भाई? 19, बराबर। जो बल्ब हमने निकाल के साइड में रख दिया वो नॉन डिफेक्टिव था, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे 16, एक निकाल दिया तो बाकी बचे कितने भाई? 15। और आपको प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की फाइंड करने तो आएगी कितनी भाई? 15/19। चलो 18 नंबर बे आईएमपी सम है, बराबर है, ध्यान रख के समझना। मैंने ऐसा एक सम आपको कराया था, बराबर है, 1 to 100 कार्ड वाला, बट ध्यान रखना जितने कार्ड हो वहां तक ही मल्टीपल लेने के। कुछ लोगों को क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मल्टीपल कहाँ तक लेने हैं। 1 to 100 कार्ड है तो 5 के मल्टीपल बोले तो 100 तक ही 5 के मल्टीपल लेने हैं, बराबर है। 1 to 90 कार्ड है तो 90 तक ही मल्टीपल लेने के। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। कभी अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, कभी बॉक्स के अंदर 90 डिस्क, डिस्क का मतलब कार्ड है, बराबर है, आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। उसके अंदर जो नंबर है वो कौन से है? 1 to 90। मैंने आपको कराया तो उसमें 1 to 100 था। वन डिस्क इज ड्रॉन एट अ रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, उसमें से एक डिस्क निकाले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले काम करो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो, फिर वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। चलो लिखो, पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू
नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर है और टू डिजिट नंबर, चलो 1 to 90 में टू डिजिट नंबर कौन से, तो क्या लिखेंगे, टू डिजिट नंबर आर कौन से बनेंगे, 10, 11, 12, ……, 90। अब ये कितने नंबर बनेंगे, मैंने आपको सिखाया था 100 वाले में क्या करेंगे, भाई नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें लाने पड़ेंगे, तो 90 में से 10 को माइनस करेंगे, साइड में लिख के रखो तो आपको याद रहेगा भाई 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। ऐसा मैंने सिखाया था कि भाई आपको काउंट न करने हो कितने नंबर हो गए, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, जो आंसर आए उसमें कंपलसरी 1 प्लस करो। क्लियर, 1 को प्लस करना भूल गए तो आंसर नहीं आएगा। लास्ट ईयर मैंने अपनी स्कूल की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली 80 लिख दिया, यानी कि आंसर गलत। क्लियर, तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो PA इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 81 अपॉन 90, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90 है। चलो कट करें तो 9 9 जाए 81 9 10 जाए 90, आंसर आया हमारा 9 अपॉन 10। चलो सेकंड नंबर, अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, चलो 1 to 100 में परफेक्ट स्क्वेयर नंबर कौन से, जिनका स्क्वेयर रूट निकल सकता है ऐसे नंबर को परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बोलते हैं। तो लिखते हैं तो भाई अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर आर देखो कौन से आएंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, कैसे लिखते हैं भाई, अभी बाकी है। देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 के बाद क्या आएगा, 7 7 जा 49, फिर 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, इसके बाद में नहीं आएगा क्योंकि 10 10 जा 100 हो जाएगा, हमारे पास नंबर सिर्फ 90 तक। क्लियर, यानी कि अब काउंट कर लो कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी भाई कि भाई PB इज इक्वल टू 9 अपॉन 90, कट कर दे इसको तो 1 अपॉन 10 आएगा आंसर। चलो थर्ड नंबर है मल्टीपल ऑफ 5, चलो 1 to 90 में 5 के मल्टीपल का भाई लिखेंगे भाई मल्टीपल ऑफ 5 आर कौन से बनेंगे, 5, 10, 15, 20, ……, लास्ट नंबर कौन सा आएगा, 90। अब काउंट करने हैं तो कैसे करेंगे कि भाई सपोज 90 को 5 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 80, या तो न आए तो ऐसे काउंट कर सकते हो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, यानी कि 12, 80 और 85, 90, 18 हुए, कितने हुए भाई 18, तो क्या लिखेंगे, PC इज इक्वल टू 18 अपॉन 90, 18 5 जा, क्या आंसर आएगा भाई 1 अपॉन 5, कर सकते हो ऐसे।
डायरेक्ट भी कर सकते हो 90, 90 डिवाइड बाय 5। चलो आगे एक दो इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें तीन है, हम लोग दूसरे ऐड कर देते हैं। चलो लिखो, मल्टीपल ऑफ सेवन, मल्टीपल ऑफ सेवन सातना अवयवी, मल्टीपल फोर नंबर लिखो, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ सेवन। चलो सेवन के मल्टीपल 1 to 90 में लिखे तो क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ सेवन आर, क्या लिखेंगे भाई, 7, 14, 21, 28, और लास्ट ऐसा कौन सा नंबर होगा 90 से छोटा, 84। ये नंबर क्या होगा भाई, डिविजिबल होगा, इनको आपको याद रखने पड़ेंगे, बराबर है। अब ये टोटल कितने हुए वो डायरेक्टली हो जाएगा कि भाई सेवन के मल्टीपल कौन से, 7, 14, 21, 28, कि भाई 90 से छोटा हो तो कैसा है भाई, 84, बराबर वो लास्ट है। अब आपको नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने, भाई 10 बने, 12 बने, 15 बने, अभी मैंने 2018 निकाले, तो 84 को 7 से डिवाइड कर डालो, 7 के मल्टीपल है तो 84 को 7 से डिवाइड कर डालो तो कितने आएंगे भाई, 12 आएंगे। कितने आएंगे, 12। अगर 100 तक हो तो 100 तक में कौन से आएंगे, 14। ये 7 के मल्टीपल खास याद रखोगे, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी ये क्वेश्चन आने वाला है, बराबर है। तो भाई 100 तक हो तो आगे क्या आएगा, 91, और लास्ट में क्या आएगा, 98, यानी कि 14 बनेंगे, बराबर है। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले तो PD इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 12/90, क्या कट होगा, 6 2 12, और दूसरा क्या आएगा, 15 6 90, 6 6 कट, आंसर आया कितना भाई, 2/15। चलो सपोज फिफ्थ नंबर लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 8। चलो 8 के मल्टीपल, अब आप खुद लिखो 8 के मल्टीपल कौन से आएंगे भाई, कभी मल्टीपल ऑफ 8 आर, क्या लिखेंगे, 8, 16, 24, 8 का टेबल, 8 4 32, डैश डैश डैश, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा भाई, 90 से छोटा और 8 से डिविजिबल हो, 88 आएगा, 88 8 से डिविजिबल है। बट टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे कि भाई 88 डिवाइड बाय 8 कर डालो, कितने हो गए, 11 आउटकम्स। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो कि भाई PE इज इक्वल टू क्या होगा, 11/90। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, आंसर बन गया। बोलो कर सकते हो ऐसे सब कि नहीं कर सकते हो, अब ध्यान रखेंगे मल्टीपल कहाँ तक लिखने, 1 to 90 डिस के तो 90 तक, 100 हो तो 100 तक, क्लियर। क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने सबको बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 19, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैज डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। कभी एक चाइल्ड के पास एक डाइस है और वो डाइस के ऊपर जनरली 6 नंबर होते हैं। वो चाइल्ड के पास जो डाइस है उसके ऊपर ऐसे नंबर है, ए बी सी डी ई और ए, ऐसे नंबर प्रिंटेड है, लाइक 1 2 3 4 5 6 के बदले में ABCDEA, ऐसे 6 नंबर है। चलो अब क्वेश्चन है, द डाई इज थ्रोन वंस
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और दूसरा है गेटिंग डी, बराबर ए आने की प्रोबेबिलिटी और डी फाइंड करनी। चलो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो। तो भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा कंपलसरी, फॉर्मूला लिख दो भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो फर्स्ट नंबर लिखिए गेटिंग ए। चलो तो ये डाइस के ऊपर ए कितनी बार आता है देखो तो टू टाइम, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो भाई पी ए इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखेंगे टू, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने भाई सिक्स, कट कर दे तो आंसर क्या बनेगा भाई वन अपॉन थ्री बनेगा। चलो सेकंड नंबर है गेटिंग डी, तो जरा नजर करो तो आपके पास डाइस के ऊपर नंबर है उसके अंदर डी सिर्फ कितनी बार आता है एक बार, तो क्या लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स बन जाएगा स्टूडेंट। चलो 20 नंबर के ऊपर स्टार है स्टूडेंट और नीचे लास्ट में देखो स्टार सबसे नीचे टेक्स्ट बुक में नीचे लिखा है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट बहुत सारे गधे जैसे टीचर होते हैं ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, तो भी बहुत सारे गधे टीचर इसको पेपर के अंदर पूछ लेते हैं, एकदम इजी है। चलो करते हैं 20 नंबर। तो भाई 20 नंबर का क्वेश्चन है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.6। का भाई सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगुलर रीजन है बराबर है और इसके अंदर आप क्या करते हो भाई एक डाइस डालते हो, रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक डाइस को आप लोग थ्रोन करते हो बराबर है। का भाई ये रेक्टेंगल है, का भाई सपोज आपके पास क्या है भाई हैंकर चीप है रेक्टेंगल टाइप का, या तो टाइल्स के ऊपर आप खेल रहे हो टाइल्स रेक्टेंगल शेप की है उसके ऊपर आप डाइस डालते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायामीटर 1 मीटर। ये रेक्टेंगल के अंदर ये क्या है भाई सर्कल, ये सर्कल का डायामीटर कितना है भाई 1 मीटर, तो ये सर्कल के अंदर आप जो डाइस थ्रोन करते हो वो डाइस सर्कल के अंदर लैंड हो इसके अंदर पड़े उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो भाई रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर क्या है भाई सर्कल, आप डाइस को क्या करते हो भाई थ्रोन करते हो, तो वो डाइस ये सर्कल के अंदर लैंड हो सर्कल के अंदर पड़े उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो इसमें रेक्टेंगल के भी डायमेंशन है, तो भाई उसकी लेंथ है 3 मीटर और उसकी ब्रीथ है कितनी भाई 2 मीटर, एकदम इजी सम है स्टूडेंट। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या कर रहा है छोटे, देखो यहां पर दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपके पास है, एक सर्कल है दूसरा क्या है भाई रेक्टेंगल, यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोगों को स्मॉलर एरिया को बिगर एरिया से डिवाइड करना है। देखो यहां पर स्मॉलर एरिया किसका होगा, दोनों फिगर के अंदर स्मॉलर कौन है सर्कल स्मॉलर है कि नहीं है, दोनों फिगर के अंदर स्मॉलर कौन है भाई सर्कल, यानी कि सर्कल के एरिया को रेक्टेंगल के एरिया से डिवाइड करो वो आपकी प्रोबेबिलिटी है, क्लियर। तो चलो पहले सर्कल का एरिया फाइंड करें, तो पहले क्या लिखेंगे हेडिंग डालेंगे सर्कल, उसका डायामीटर है डी इज इक्वल टू 1 मीटर, तो उसकी रेडियस कितनी बनेगी 1/2 मीटर। चलो पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, तो भाई एरिया ऑफ सर्कल स्टूडेंट ये वाला सम मार्च 2000
लगभग 15 या तो 2017 सॉरी 2017 बोर्ड की एग्जाम में ऐसा सम आया था, इसलिए ध्यान रखना। बराबर है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कौन सा? पाई आर स्क्वायर। कभी भी पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, जरूरत पड़े तो रखेंगे, अभी कोई जरूरत मुझे लगती नहीं है। तो पाई मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा भाई? पाई अपॉन 4 बराबर है मीटर स्क्वायर आएगा आंसर, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। चलो अभी दूसरा किसका एरिया फाइंड करना है? रेक्टेंगल। तो दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे यहां पर? रेक्टेंगल। चलो उसमें लेंथ और ब्रीथ लिखेंगे। एल इज इक्वल टू 3 मीटर, बी इज इक्वल टू 2 मीटर। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें। तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। और अब प्रोबेबिलिटी, तो भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया। चलो छोटा एरिया ऊपर, यानी कि देखो दोनों में स्मॉलर कौन है? सर्कल। और बड़ा कौन है भाई? रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला बनेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल वर्तुळनुं क्षेत्र अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंब चौरस। चलो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था भाई? पाई अपॉन 4। और नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना? 6। ये 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा आपका पाई अपॉन 24। यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि देखो ऊपर भी मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट क्या हो गए? कट। तो स्टूडेंट ऐसे फिगर वाला कोई भी सम आए कर सकते हो आप लोग, फिगर वाला कोई भी सम आए उसमें क्या करना है? दोनों फिगर का पहले एरिया फाइंड कर लो। तो भाई सपोज मैंने पहले सर्कल का एरिया फाइंड किया, फिर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, और छोटे एरिया को बड़े एरिया से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिल गई भाई? प्रोबेबिलिटी मिल गई। ऐसे आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसा सम पेपर में आए तो आपको आना चाहिए। चलो सेम ऐसा एक क्वेश्चन है, पहले इसको पूरा कर लो। पेज नंबर, चलो पूरा हो गया वाला, एक मिनट देता हूं पूरा कर लो पहले। चलो हो गया पूरा। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 305 निकालो, एग्जाम्पल नंबर 11 देखो। सेम ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11 देखो। चलो उसके अंदर क्या है? अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.2। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इन साइड द लेक एज शोन इन द फिगर? यानी कि एक हेलीकॉप्टर है, मिसिंग हेलीकॉप्टर है, ऐसे आपको फिगर के अंदर एक पूरा रेक्टेंगुलर फॉरेस्ट शो किया है। बराबर है। कभी मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.2। देखो इसकी लेंथ कितनी है भाई? 9 मीटर, पूरी टोटल लेंथ 9 मीटर। इसकी ब्रीथ है वो 4.5 मीटर है। अच्छे से समझना वरना टप्पी नहीं पड़ेंगे। और
यहां पर लेक है स्टूडेंट, ये लेक है, बराबर है। यहां पर यहां से यहां तक ये जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर है, ये सारी किलोमीटर है भैया, मीटर में किलोमीटर, यहां से यहां तक ये 2 किलोमीटर, तो समझो ये टोटल 4.5 है, ये टोटल कितना है भाई 4.5, 4.5 में से 2 को माइनस करते लेक की जो ब्रीथ है वो कितनी बन जाएगी 2.5 मीटर। आप लिख डालो वरना टप्पी नहीं पड़ेंगे, फिर लेक की ब्रीथ कितनी बनेगी 2.5। चलो यहां से ये जो लेंथ है वो 6 किलोमीटर है यहां से यहां तक, तो बाकी बची लेक की लेंथ कितनी होगी, देखो टोटल लेंथ कितनी है भाई 9 किलोमीटर, और ये कितनी है यहां तक 6 किलोमीटर, तो 9 में से 6 को माइनस कर तो लेक की लेंथ कितनी होगी 3 किलोमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, हेलीकॉप्टर लेक के अंदर क्रैश्ड हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने सर्कल वाला सम सिखाया तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, पहले लेक के डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। हमने डायरेक्ट लिख दिए तो फर्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे, लेक, एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 4.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। फिर ब्रीथ लिखेंगे बी इज इक्वल टू ब्रीथ उसकी क्या लिखेंगे, चलो सॉरी स्टूडेंट ये ब्रीथ है बराबर है, और दूसरी लेंथ लिखेंगे एल, एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, बराबर है। समझ में आया ना, मैंने समझाया कि भाई ये टोटल 4.5 थी, ये 2 थी, 4.5 में से 2 को माइनस करो आएगा कितना भाई 2.5। चलो अब इसका एरिया फाइंड कर ले, क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ लेक इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा भाई 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। चलो दूसरा क्या है भाई, रेक्टेंगल है, यहां पर फाइंड करेंगे रेक्टेंगल, चलो उसकी लेंथ और ब्रीथ लिख दे एल, टोटल लेंथ उसकी कितनी है भाई 9 किलोमीटर, चलो उसकी ब्रीथ लिखे बी, ब्रीथ उसकी कितनी है भाई 4.5 किलोमीटर। चलो इसका एरिया फाइंड कर ले, कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई करो 9 4 36 9 5 45 36 + 4 यानी कि 40.5 किलोमीटर स्क्वेयर। चलो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, कि भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दोनों में छोटा एरिया किसका है, लेक का है, तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे कि भाई एरिया ऑफ लेक अपॉन क्या आएगा भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल चलो एरिया ऑफ लेक, लेक का एरिया कितना है भाई 7.5 यानी कि 75 डेसिमल निकाल देते हैं अपॉन 40.5 यानी कि 405। चलो इसको कट करे, 5 से कट करे, यहां पर 15 आएगा, इधर 5 से कट करे कितना आएगा भाई 81, अभी भी 3 से कट होगा, 3 5 = 327 जा, तो आंसर हमारा कितना आएगा भाई 5/27। आगे आंसर बोलो, ऐसे कोई भी फिगर वाला सम कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी में ध्यान क्या रखना है,
अंदर वाले एरिया डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला कि भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मीन्स आपको ये एरिया इधर फाइंड करना पड़ेगा और बराबर है। एक स्टेप में भी पूरा हो सकता है सम, डायरेक्ट ये वाला स्टेप कि भाई ऊपर डायमेंशन नीचे डायमेंशन जो कट होता है वो कट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर थ्री स्टेप, पहले लेक का एरिया, ये आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी, लेक का एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया और लास्ट में प्रोबेबिलिटी। कर सकते हो ऐसे सम कि नहीं कर सकते हो? चलो 21 नंबर, 22 भी नहीं करना है, 23 भी नहीं करना है, बराबर है। चलो 21 नंबर, अ लॉट ऑफ, देखो जरा फटाफट 21 नंबर, चलो 21 नंबर देखो, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, यानी कि टोटल बॉल पेन 144 है। इंफॉर्मेशन लिखते लिखते जाए, क्वेश्चन नंबर 21, अब एक टोटल बॉल पेन इज इक्वल टू 144 ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव बॉल पेन कितनी है भाई 20, तो क्या फाइंड करना है, एंड द अदर आर गुड, बाकी की गुड है वो भी फाइंड कर लेते हैं भाई। गुड बॉल पेन इज इक्वल टू 144 में से 20 को माइनस करो, कितना होगा भाई 124 होगा। तो हमें क्या करना है भाई, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, नूरी ऐसी पेन खरीदती है जो अच्छी क्वालिटी की हो, बराबर है। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रेंडम एंड गिव टू हर, यानी कि ये 144 पेन में से शॉपकीपर एक पेन निकालता है, नूरी को देता है। जो देखो वो बॉल पेन निकालेगा वो डिफेक्टिव भी हो सकती है नॉन डिफेक्टिव, बट नूरी तो कौन सी परचेज करती है, ओनली गुड क्वालिटी की, कौन सी परचेज करती है गुड क्वालिटी। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, दोनों की फाइंड करनी। नंबर वन है सी विल बाय इट, नूरी पेन खरीदेगी तो क्या आएगा भाई 124 अपॉन 144, और सेकंड नंबर है सी विल नॉट बाय इट, अगर डिफेक्टिव निकलेगी तो वो परचेज करने वाले नहीं है। तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो फिर हम लोग फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो फटाफट, फिर फर्स्ट नंबर है सी विल बाय एट, तो क्या लिखेंगे पी ए खरीदेगी, कौन से टाइप की वो परचेज करती है भाई, नूरी क्वेश्चन के अंदर दिया है गुड क्वालिटी की ही परचेज करती है, तो गुड क्वालिटी यानी कि 124 अपॉन 144, इधर 31 मल्टीप्लाई 4, इसको 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12, 4 6 जा 36 मल्टीप्लाई 4, 4 4 कट, आंसर आया 31 अपॉन 36। सेकंड नंबर है सी विल नॉट बाय इट, सी विल नॉट बाय एट, कभी नहीं परचेस करेगी, तो डिफेक्टिव वो परचेस करते नहीं है, तो क्या लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 अपॉन 144, 20 यानी कि 4 5 जा नीचे 36 4 जा 4 4 कट, आंसर आया आपका 5 अपॉन 36। क्लियर स्टूडेंट, तो आज इतने सम रखते हैं, 22 नंबर 23 नंबर करना नहीं है, 24 नंबर कल कर लेंगे, थोड़े एमसीक्यू भी कल सॉल्व करेंगे,
इसके बाद में बहुत सारे चैप्टर के अंदर एमसीक्यू है, बराबर उसके वीडियो आएंगे, क्वेश्चन भी, एमसीक्यू के क्वेश्चन में आपको सेंड नहीं कर सकता हूं, बहुत सारे है, तो वीडियो लेक्चर के अंदर ही मैंने क्वेश्चन बोले है, बराबर है, वो क्वेश्चन आपको लिखते जाने हैं, समझते जाना है और फिर उसका सॉल्यूशन करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।